गाजियाबाद में चोरों का कारनामा हैरान कर गया। घर में लगी सभी टोटियों पर हाथ साफ कर गया चोर। चोरी के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। राजनगर इलाके का ये मामला है, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में चोरी की चौंकाने वाली वारदात सामने आई। मौका पाकर चोरों ने इस घर में धावा बोल दिया, लेकिन चोरों के कारनामे ऐसे कि हर कोई सुनकर दंग है। चोर घर के अंदर दाखिल हुए, घर में तोड़फोड़ की और चोरी का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने न कैश पर हाथ साफ किया और न ही कीमती ज्वेलरी पर। घर के कीमती सामान को छोड़कर वो घर के बाथरूम में लगी टोटियां चोरी कर ले गए। बैंक के रिटायर्ड एजीएम के घर ये चोरी हुई। घर वालों के मुताबिक घर में 3 बाथरूम है और ये तस्वीरें देखिए, जहां चोरों ने खूब तोड़फोड़ भी की। वॉश बेसिन टूटे पड़े हैं। वॉश बेसिन और गीजर से जुड़ी सभी टोटियों को उनकी जगह से निकाल कर ले गए। घर वालों के मुताबिक चोरी उस वक्त हुई जब घर में कोई मौजूद नहीं था। 4 दिन बाद जब वो घर लौटे और घर में दाखिल हुए तो दंग रह गए। बाथरूम की सभी टोटियां गायब थी। जब यहाँ आया तो दरवाजा खुला हुआ था, ये मेन गेट, तो अंदर जब गया मैं तो पूरे अपने बाथरूम के जितने भी टंकी थे, बाथरूम मतलब ये अपना ऊपर के हाथ धोने की, हाँ मतलब वो वॉश बेसिन है, सब तोड़ गए और जितने भी ये अपना टूटी होती है सब ले गए उठा कर। और भी कुछ घटना को अंजाम दिया है। और मतलब ये करीब करीब मतलब समझता हूँ कि 3 बाथरूम है, तीनों में तोड़ फोड़ करी उन्होंने। गीजर है उसकी भी तो निकाल के ले गए सामान। चोरों की इस वारदात से हर कोई हैरान है। टूटी के अलावा चोरों ने कोई दूसरी चीज नहीं चुराई। घर में सभी कीमती सामान वैसे ही पहले की तरह मौजूद है। आपके घर में और भी कीमती सामान रखे हुए थे और जगह भी पोस इलाका है, जिस तरीके से घर में सामान रखे होते तो और सामानों पे भी हाथ साफ नहीं? कीमती सामान कुछ नहीं ले गए। हाँ ये अच्छी बात है, कीमती सामान कुछ नहीं ले गए। खाली मतलब मेरे ख्याल में कबाड़ी होंगे या कुछ, मतलब ये प्लम्बर को टाइप मतलब जो होते हैं ना, कबाड़े होते हैं मतलब उन्हें। तो क्या अंदेशा लग रहा है आपको कि किस तरीके से चोरों ने घर में एंट्री करी होगी, कैसे आए होंगे? मतलब मेरा जो मेन गेट है उसमें ताला अंदर से बंद था, वो एज इट इज था। मैं समझता हूँ दीवार फाक का ये ऊपर जो सामने मतलब दीवार है उसे कूद के मतलब वो आए होंगे। ताला तोड़ा पहले, मतलब ताला तोड़ने के बाद मतलब फिर दूसरा दरवाजा तोड़ा तब अंदर गए वो। गाजियाबाद में टोटी चोरी की पहली वारदात नहीं है, इस तरह की और भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले साहिबाबाद में टोटी बनाने वाली फैक्ट्री में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। सड़क और रेल मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं अब अयोध्या सोलर सिटी के तौर पर भी जानी जाएगी। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अगले साल की शुरुआत में रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। इसको देखते हुए अयोध्या में जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालु जब अगले साल से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आएं, तो उन्हें सभी तरह की सहूलियत मिले। इसके लिए सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्गों का नवीनीकरण किया जा रहा है। अब अयोध्या सोलर सिटी भी बनने जा रही है, जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी है। अयोध्या के सोलर सिटी बनने को पंख लगने शुरू भी हो गए हैं। रामनगरी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का रास्ता साफ हो गया। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अयोध्या में जल्द ही मूर्त रूप लेने जा रही है। अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट को लगाने की मंजूरी मिल गई। सोलर प्लांट रामपुर हलवारा और सराय राशि गांव में लगाया जाएगा। दोनों गांव की 165.10 एकड़ जमीन पर ये प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसमें 90.45 एकड़ भूमि रामपुर हलवारा की है, जबकि 74.65 एकड़ जमीन सराय राशि की है। कि जिला प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सोलर सिटी के लिए लैंड अवेलेबल कराने के लिए, जिसको हम लोगों ने लैंड अवेलेबल कराते हुए विभाग को भेज दिया है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भेज दिया, नेडा इकाई को चला गया है, उसमें वहां कार्रवाई अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ जो हम सोलर रूफ टॉप की योजना है उसको हम लोग गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं उसमें सोलर रूफ टॉप लग रहे हैं, और जो हमारे जो सोलर पोल है वो बड़े पैमाने पे हम लोगों ने घाटों पे लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरतकुंड की जनसभा में अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने
भूमि उपलब्ध करवाई। इस परियोजना को NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड धरातल पर उतारेगी। पवित्र सरयू के नजदीक इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही 41 गांव सोलर ऊर्जा से लैस कर दिए जाएंगे। हमारे जो एक्सटेंडेड एरिया है 41 ग्राम है, उसमें भी हम लोग लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सोलर ट्रीज भी लग रहे हैं, रूफटॉप का पूरा फैसिलिटी डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट में। प्राइवेट जो व्यक्तिगत लाभार्थी है उनके लिए भी योजना है कि वो भी सब्सिडी योजना का से लाभान्वित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सरयू नदी में चलने वाली नाव भी सोलर एनर्जी से ही संचालित होगी और जिस क्रूज का निर्माण किया जा रहा है वो भी सोलर से ही संचालित होगा। मंगलवार को CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कंपनी को जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। News 18 के लिए अयोध्या से KB शुक्ला की रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान गए अंजू और नसरुल्लाह के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं? क्या अंजू से नसरुल्लाह का परिवार परेशान हो गया है? खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले नसरुल्लाह के पड़ोसी भी अब दिक्कत में आ गए हैं। ऐसी ही कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। अंजू से परेशान हुआ नसरुल्लाह, क्या दोनों की लव स्टोरी का होगा दी एंड? पाकिस्तान में अंजू अपनी नई दुनिया बसाने तो चली गई, लेकिन जिसके साथ उसने रहने के सपने देखे अब उसी के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे अंजू और नसरुल्लाह का रिश्ता लंबा टिक पाएगा वो संशय पैदा करता है। इसकी जो वजह सामने आ रही है वो भी आपको बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब से अंजू पाकिस्तान गई है उस पर महंगे महंगे तोहफों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान की आवाम गुर्बत में जीने को मजबूर है, लेकिन अंजू पर मेहरबानियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हर कोई मुंह उठाकर अंजू से मिलने आ रहा है, कोई उसे फ्लैट दे रहा है, कोई एक से बढ़कर एक आकर्षक गिफ्ट दे रहा है, कोई चेक बांटता फिर रहा है, तो कोई नौकरी की पेशकश करता दिख रहा है। इन तस्वीरों में अंजू और नसरुल्लाह दोनों दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया लगातार अंजू के नसरुल्लाह के साथ निकाह की बात करता रहा है। अंजू का लिबास भी पूरी तरह बदल चुका है, वो बुर्के में नजर आती है। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी मीडिया की खबर पर भी मुहर लगाता है। लेकिन अंजू पर सौगातों की बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर अंजू और नसरुल्लाह के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि नसरुल्लाह का परिवार असहज होता जा रहा है? कहा जा रहा है कि निकाह के बाद नसरुल्लाह अंजू से परेशान होने लगा है। इतना ही नहीं, घर वाले भी खुश नहीं दिख रहे और तो और मोहल्ले वालों की भी दुश्वारियां बढ़ गई हैं। इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो भी दंग करने वाली है, क्योंकि नसरुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर इलाके का रहने वाला है। ये पाकिस्तान का ऐसा इलाका माना जाता है जहाँ पर बंदिशों का साया हमेशा साथ रहता है, जहाँ महिलाओं को लेकर खुली सोच नहीं दिखती। यहाँ महिलाओं को ज्यादा बोलने और घर से निकलने की इजाजत नहीं मिलती। अंजू इस वक्त नसरुल्लाह के साथ अपर दीर में रह रही है और जब से वो आई है तभी से पाकिस्तानी मीडिया उसकी कवरेज के लिए पीछे पड़ा हुआ है। लोकल मीडिया कर्मी अंजू से मिलना चाहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह इसी बात से परेशान है और वो मीडिया की दखल अंदाजी अपने घर में नहीं चाहता। नसरुल्लाह के घर वाले भी इससे चिंता में पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, इसका असर इलाके के लोगों पर भी पड़ रहा है। मोहल्ले वालों का जीना मुहाल होता जा रहा है। अपर दीर इलाका बेहद शांत माना जाता है। यहाँ के लोग बाहरी लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं आते, इसी वजह से बाहरी लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब से अंजू मेहमान बनकर आई तब से वहाँ रह रहे सभी लोगों की जिंदगी पर असर पड़ने लगा है। बात तो ये भी निकल कर सामने आ रही है कि स्थानीय लोगों ने गांव में मीडिया कवरेज से बचने के लिए नसरुल्लाह के परिवार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर दोनों साथ में रहते हैं तो इलाका छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाएं, ताकि अपर दीर इलाके में पहले जैसे शांति लौट आए। जाहिर है अंजू का पाकिस्तान जाना ही नसरुल्लाह के लिए भारी पड़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी अंजू को सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। अंजू के साथ पाकिस्तानियों का रवैया ये दिखाने की कोशिश है कि पाकिस्तान दुनिया में यूं ही बदनाम है, हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अंजू के साथ जिस ढंग से वहाँ के लोग पेश आ रहे हैं वो यही दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान अपनी अच्छी छवि को दिखाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की धूर्तता से पूरी दुनिया वाकिफ है। अंजू के खिलाफ बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल हो रहा है और दूसरी तरफ भारत की लड़की अंजू पर इतनी मेहरबानियां की जा रही हैं। सवाल ये भी है
कि अंजू कहीं ये सब किसी मजबूरी में तो नहीं कर रही। अभी कई सवाल हैं जिनकी सच्चाई सामने आना बाकी है। अंजू का आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल नसरुल्ला का परिवार अंजू को साथ रख कर परेशान जरूर होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी की बहन बसंती बेन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन से मिली हैं। दरअसल बसंती बेन ऋषिकेश में अपने पति हंसमुख के साथ एक बेहद निजी कार्यक्रम में पहुंची थी। उस दौरान उन्हें नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए। संयोग से मंदिर के पास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी एक दुकान चलाती हैं, और इस दौरान जब पीएम मोदी की बहन को पता चला कि वो शशि देवी हैं तो वो उनसे मिलने पहुंची और फिर दोनों ने खूब बातें की।